हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कौशिक। सो अब हमारे पास सिर्फ 90 डेज हैं और इन 90 डेज में अगर आपको नीट एग्जाम क्लियर करना है, अगर आप भी चाहते हो कि आपके नाम के साथ डॉक्टर ऐड हो जाए, क्योंकि बहुत बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब आपको कोई बोलता है, आपको डॉक्टर साहब कह के बुलाता है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आप भी चाहते हो कि आपके नाम के साथ भी डॉक्टर ऐड हो जाए, तो सबसे पहले काम आपको आज ये करना है कि एक पेज पर लिखना है, अपना नाम के साथ डॉक्टर लिखना है, और उस पेज को आप जहाँ पर पढ़ते हो उस दीवार पर चिपका देना है, और उस पेज को आपको डेली देखना है ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि जब मैं मेहनत करता था, तो जब मैं मेरे MBBS के टाइम था, तो मैंने अपने नाम के साथ MBBS के साथ साथ MD लिखना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मुझे MD क्लियर करना है। एंड जब भी मैं उसको देखता था, तो मेरे को हमेशा मोटिवेशन मिलती थी, एंड हमेशा मेरा जो टारगेट था वो हमेशा मेरे आंखों के सामने रहता था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज से ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख देना है, MBBS लिख देना है, उसको एक पेज पर चिपका देना है, और उस पेज को आपको डेली देखना है। इससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपको डॉक्टर बनना है। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आपको इस कॉम्पिटिशन को अगर क्लियर करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, एंड आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, और इसको अप्लाई करना है, और इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अब हमारे पास सिर्फ 90 डेज है, और इन 90 डेज में हमें चाहिए सिलेक्शन। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको कौन सी बुक्स से पढ़ना है, आपको कौन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ओके, सो ये सब पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे मेन पॉइंट जो होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, वो सोचते ही नहीं है कि मेरे को 650 प्लस मार्क्स जो है मेरे को लाने हैं, वो सोचते ही नहीं है कभी भी। एंड उनका हमेशा जो टारगेट रहता है वो 500 एंड 550, यहाँ तक उनका टारगेट रहता है। एंड यहाँ पर अगर आप इतना टारगेट रखोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 500 तक आप टारगेट रखते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो जो आपका टारगेट है वो हमेशा आपका हाई होना चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना है कि मुझे अंडर 1000 रैंक लानी है। तो आपका जो टारगेट है वो 650 प्लस 680, यहाँ तक इतना टारगेट होना चाहिए। 650 एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए। एंड कभी भी जो ये सोचता है कि जो ये बोलता है कि आपको कि इतने मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है, तो उन सब लोगों से आपको बात नहीं करनी है, उन सब लोगों से एकदम कट ऑफ हो जाना है। सिर्फ आपको अपना टारगेट जो है, आपको आपके दिमाग में आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 650 प्लस मुझे मार्क्स लाने गए, उसके बाद ही मेरा सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो आपको 600 प्लस में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 600 प्लस मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बट अगर आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हो, तो आपको 650 प्लस मार्क्स, 650 प्लस मार्क्स लाने पर ही आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। सो नेक्स्ट चीज है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। सो नेक्स्ट चीज कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। सो फर्स्ट थिंग कि आप बायोलॉजी को कहाँ से पढ़ना है। आप किसी से भी पूछोगे या किसी भी टॉपर का आप इंटरव्यू देते हो, तो वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जो 100% जो बायोलॉजी का जो पेपर आता है, जो 100% बायोलॉजी का जो पेपर आने वाला है, वो NCERT से ही आता है। सो बायो की आपको एक एक सिंगल लाइन आपको याद होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, वो ये है कि वो समरी नहीं पढ़ते, तो वो समरी को मिस कर देते हैं। एंड समरी से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो समरी को आपको मिस नहीं करना है, समरी को भी आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। ओके, एंड जो भी बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम्स है, NCERT में जितने भी डायग्राम है, सब डायग्राम्स आपको याद करने हैं, सब डायग्राम्स को आपको देखना है, कोई भी एक सिंगल डायग्राम भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि आपके बायोलॉजी में आपको 350 प्लस तक आपके मार्क्स इजीली आ सकते हैं, अगर आप समरी भी पढ़ते हो, एक एक लाइन पढ़ते हो, एंड डायग्राम्स भी अगर आप मिस नहीं करते, 350 प्लस तक आपके मार्क्स आ सकते हैं बायोलॉजी में। सिर्फ इतना ही करना है, NCERT बुक पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ना है। ओके, देन नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री के भी अगर आप लास्ट 3-4 ईयर्स के अगर आप पेपर देखते हो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि NCERT से ही पेपर आता है केमिस्ट्री का भी। तो NCERT ही पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री के लिए भी आपको NCERT पढ़ना है। NCERT के जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस को सोल्व करना है।
तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है, केमिस्ट्री के लिए भी कुछ भी हो जाए सारी एक एक लाइन पढ़नी है, सारी लाइन आपको अच्छे से कम 4-5 बार आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, और उसके जितने भी डायग्राम्स हैं सब डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस है सब आपको पता होनी चाहिए, और जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होने चाहिए एनसीईआरटी के। सो एनसीईआरटी ही इनफ है केमिस्ट्री के लिए भी। सो नेक्स्ट इज फिजिक्स। सो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो कि आपके क्लियर होंगे आपके नोट्स से। जिस भी कोचिंग के नोट्स आप फॉलो करते हो उन कोचिंग के नोट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितने भी डेरिवेशन होते हैं सब डेरिवेशन आपको आने चाहिए भी, कैसे करके उन फॉर्मूलाज को आपको याद करना है और उनको अप्लाई करना सीखना है। देन सेकेंड थिंग कि आपको क्वेश्चन कहाँ से सोल्व करने हैं। सो क्वेश्चन आप जिस भी कोचिंग को आप फॉलो करते हो, सो क्वेश्चन के लिए आप जिस भी कोचिंग को फॉलो करते हो उस कोचिंग के जो भी आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं, सो उन मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है कि सोल्व करने हैं। तो हर चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके, सो 100 क्वेश्चन इज इनफ हर चैप्टर के, पर चैप्टर चाहे वो बायोलॉजी का कोई चैप्टर हो, केमिस्ट्री का चैप्टर हो या फिजिक्स का चैप्टर हो, तो 100 क्वेश्चन उस चैप्टर के आपको सोल्व करने हैं। ओके, देन नेक्स्ट थिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें कितने सोल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो लास्ट 20 ईयर्स तक के क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं हमेशा ट्राई करता था कि मैं पर डे 10 टू 12 आवर्स मैं हमेशा पढ़ने का ट्राई करता था। तो ये हमेशा मैं आपको भी ट्राई करना है कि एटलीस्ट आपको 10 टू 12 आवर्स तो आपको पढ़ना ही है। एंड इसको इस टाइम टेबल को हमें कैसे डिवाइड करना है सो वो मैं अभी कुछ टाइम में बताने वाला हूँ। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैं तो 5-6 घंटे पढ़ा था एंड मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो दूसरों को डिमोटिवेट करना चाहते हैं एंड झूठ बोलते हैं, तो ये सब बातें उनकी बातों में नहीं आना है। आपको पर डे 10 टू 12 आवर्स तो पढ़ना ही है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट थिंग कि आपका टाइम टेबल होना क्या होना चाहिए। सो यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया हुआ है, चाहे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। एंड इसको फॉलो करने के लिए सच में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, एंड आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना मेहनत के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हो। बिना मेहनत के इंसान को कुछ नहीं मिलता है, ना आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, मुझे भी कुछ नहीं मिला था, किसी को भी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेहनत करना तो मस्ट है, और इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली बहुत हेल्प मिलने वाली है एंड आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप सुबह 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो 6 बजे से लेकर आपको 9 बजे तक पढ़ना है एंड यहाँ पर आपके 3 घंटे हो जाएंगे। तो 3 घंटे बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह पढ़ना, ज़्यादा आपको रिटेन भी रहता है। देन उसके 9 बजे के बाद आपको 11 बजे से फिर से पढ़ना स्टार्ट करना है 1:30 तक, तो यहाँ पर आपके 2.5 आवर्स कवर हो जाएंगे। एंड फिर से आपको 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ना है 3 घंटे, एंड उसके बाद आपको रेस्ट करना है, डिनर कर लेना है। देन 8:30 से आपको 11:30 तक पढ़ना है 3 घंटे, तो इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो ये ऐड होने पर 3, 3, 9 + 2.5 डेट इज़ 11.5। तो 11.5 घंटे 11.5 आवर्स अगर आप पर डे पढ़ते हो तो बहुत है, सफिशेंट है। 3 महीने में अगर डेली आप 10 से 12 घंटे के बीच में पढ़ रहे हो तो ये सफिशेंट है आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो उसके लिए ये टाइम टेबल है, उनको सुबह 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। सो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ना है, 3 घंटे आपके कवर हो जाएंगे। देन आपको 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 2.5 आवर्स आपके कवर होंगे। देन 6 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़ना है और 10:30 से लेके 1:30, तो यहाँ पर भी आपके 11.5 आवर्स आपके कवर हो जाते हैं। और पर डे आपको सोने का सोचना है कि आप 6 to 8 आवर्स आपको स्लिप भी मिल जाए, ठीक है। तो स्लिप से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है, क्योंकि आप अगर अच्छे से सोते नहीं हो तो आपको ज़्यादा याद नहीं रह पाएगा, इसलिए स्लिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इन 3 महीनों में 90 डेज़ में, इन 90 डेज़ में आपको XYZ आप जो भी फालतू के कोई भी काम करते हो उन सब काम को छोड़ देना है। बस एक ही चीज़ आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि मुझे नीट क्लियर करना है, और कुछ भी हो जाए मुझे अपना 100% देना है। और अगर आप ये सब चीज़ें सोचते हो तो ये नीट क्लियर करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब ये मुश्किल होता है क्योंकि आप इसके बारे में सोचते नहीं हो,
अगर आप जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे कि मुझे नीट क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना 100% देना है, तो आपका नीट भी क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लियर करते हैं, हमने भी क्लियर किया है, हम कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं है, हम भी एक सिंपल से इंसान है जो कि मेहनत करते हैं। बस जो मेहनत करता है उसका नीट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका हार्डवर्क एंड सेल्फ स्टडी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है और सेल्फ स्टडी करनी है, और ये हमेशा ये सोचना है कि मुझे इस साल नीट क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना ही है, मुझे मेडिकल लाइफ जीनी है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर लगाना है मुझे। और जो पेज पर आप लिखते हो कि अपने नाम के आगे जो डॉक्टर लिखकर आप पेज पर चिपकाने वाले हो, उसको आपको फिर से देखना है बार बार, डेली हर दिन देखते रहना है, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि मुझे नीट क्लियर करना है और मुझे डॉक्टर बनना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।